दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को इस तरह के डायलॉग मारते हुए तो सुना ही होगा कि वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझता है। अमर ज्यादा तुर्रमखा ना बनो यार, तुम्हारे जैसे तुर्रमखा बहुत आए मगर कुछ ना कर पाए। इसका मतलब भी तकरीबन आप जानते ही होंगे। बहुत ज्यादा जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तब हम उसे तुर्रमखा बोल दिया करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर तुर्रमखा असल में कौन था जिसके नाम का इस्तेमाल इस तरह किया करते हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्रमखा कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का एक हीरो था। तुर्रमखा का असली नाम तुर्रेबाज खान था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जिस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, हैदराबाद में उसका नेतृत्व तुर्रमखा ने किया था। तुर्रमखा हैदराबाद के बेगम बाजार में पैदा हुए थे। उनके शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, मगर 1857 की लड़ाई में उस वक्त उनका नाम उभर कर आया था जब उन्होंने जमादार चीदा खान को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले की योजना बनाई। दरअसल जमादार चीदा खान को विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ दिल्ली कूच करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। सभी को उम्मीद थी कि निजाम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की इस लड़ाई में साथ देगा, मगर धोखेबाज निकला। जब जमादार चीदा खान अपने 15 सैनिकों के साथ निजाम के पास समर्थन लेने पहुंचा तो निजाम के मंत्री ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश रेजिडेंसी में कैद कर लिया। तुर्रम खान ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन के साथ मिलकर 5,000 जांबाज को तैयार किया। इसमें कई अरब स्टूडेंट्स और अन्य विद्रोही शामिल थे। योजना थी कि अचानक से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोला जाए। तुर्रम खां को यकीन था कि अचानक हमले से अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी मदद करने के लिए बब्बन खान और जय गोपाल दास ने रेजिडेंसी हाउस के सामने के 2 मकान भी खाली कर दिए। दोस्तों, तुर्रम खां की इस योजना की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी। दरअसल निजाम के वजीर सालार जंग ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी। अंग्रेज सैनिक बंदूकों और तोपों से लैस तुर्रम खां और उसके साथियों का इंतजार कर रहे थे। 17 जुलाई 1857 की रात को तलवारों और लाठी डंडों के साथ तुर्रम खान ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन और अन्य विद्रोहियों को लेकर हमला बोला। रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सुबह 4 बजे तक विद्रोहियों को अंग्रेज सैनिकों ने बुरी तरह हरा दिया। ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हुए हमले में कई जाबाज स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, मगर अंग्रेज तुर्रम खान को वहां पकड़ने में नाकामयाब रहे। निजाम के मंत्री तुराब अली खान ने तुर्रम खान का पता अंग्रेजों को बता दिया। अशूर खाना के पास जंगल में तुर्रम खान को पकड़ लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में तुर्रम खां पर मुकदमा चला। तुर्रम खां को अपने बाकी साथियों का पता बताने के लिए विवश किया गया, टॉर्चर किया गया, मगर तुर्रम खां ने इनकार कर दिया। ऐसे में तुर्रम खां को काला पानी की सजा दी गई। उसे जीवन भर सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी शुरू हुई। अंग्रेज उसे अंडमान भेज पाते इसके पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खां अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गया। अंग्रेजों ने तुर्रम खां पर 5,000 रुपए का इनाम रखा। हर ओर उसे पकड़ने के लिए सैनिक गश्त करने लगे। कुछ समय बाद एक तालुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तूपरण के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया। इतिहासकारों की माने तो तुर्रम खां के शव को रेजिडेंसी में लाकर पेड़ से नंगा लटका दिया गया था। दोस्तों, भारत सरकार ने उनकी याद में एक सड़क का नामकरण भी किया है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेन के पास तुर्रेबाज खान रोड स्थित है। तो दोस्तों, तुर्रम खां वो शख्स था जिसने कभी अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, जान दे दी मगर वतन से गद्दारी नहीं की। अब अगर आपको कोई तुर्रम खां बोले तो उसे तंज नहीं बल्कि अपनी तारीफ समझिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी तुर्रम खां के बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।